हॉर्न बजाएं जैसे ही गेट खुलवाने के लिए अपना, तब तक हुआ एक लड़का था, हमको लग रहा था कि करीब करीब 25 के आसपास एज होगा, वो आया ऐसे पिस्टल लेके मेरे ऊपर ऐसे दबाया, तो से किया तो हम समझ गए गोलागतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। बक्सर में वार्ड पार्षद के सीना पे तानल गई पिस्तौल, गोली मिसफायर भइला के कारण बाछी गई जान, शोर मचौला पर अपराधी भइले फरार। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। बक्सर में अपराधी मुसाफिरगंज के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के गोली ठोके के प्रयास कैलन, लेकिन कहल गई बा कि जेकर राम ना बिगड़ी है ओकर केहू का बिगाड़ी जी, फायरे ना हो पावल, मिस फायर हो गई। वार्ड पार्षद शोर मचैलन तो आस पास के लोग जुटे लगलन, लोग के भीड़ लागत ऐसे पहले ही अपराधी ओजा से 9-2-11 हो गए। सूचना पे पुलिस अज्ञात लोग के खिलाफ मामला दर्ज कर लेले बिया, मौका से मिलल बाइक के आधार पे पुलिस बदमाश के पता लगावे के प्रयास कर रहल बिया। पीड़ित वार्ड पार्षद प्रतिनिधि शशि गुप्ता उर्फ डब्बू कहलन कि दरिया शहीद बाबा के उर्स से में चंदा दे के वापस अपना घरे लौटलन, तो दरवाजा पर एगो अज्ञात बाइक खड़ा दिखल। उ नगर थानेदार दिनेश मालाकार के एक सूचना दिलन, नगर थानेदार बाइक के थाना ले जाए के जगह उकरा के घर में रखे के कह दिलन। बाहर बड़ा बाबू बाइक के जब सूचना ही दिलन तो कहलन थानेदार के एकरा के अपना घरवा में रख ली। बाइक के पास जाते रहलन कि तबे पैदल 3 युवक उनका तरफ अलन, सीना पर बंदूक तान दिलन, संजोग ठीक रहल कि गोली मिस कर गई, जरा बाद झपट के युवक के कलाई पकड़ लन, चिल्लाए लगलन, चिल्लाए के आवाज़ सुन के तीनों युवक उनका के धक्का दे के पीछे के गली से भाग निकल लो। नगर थानेदार दिनेश मालाकार कहनी कि घटना के सूचना मिलते पुलिस मौका पे पहुंचल, मामला के जांच में जुट गई बिया, FIR दर्ज करके आगे के कार्रवाई कई जाता, मौका से बाइक के जब्त कर लिहल गई बा। इस दृश्य के देखला के बाद ऐसा लगता कि लोग दसवा क्लास में पढ़त रहे कि पुलिस के आने से पहले चोर 9-2-11 हो गए थे, वह कहानी एहिजा चरितार्थ भइल। थानेदार साहब कहलन कि बाइक अपना घरे रखी दो, सूचना दिले कि आई हो दादा एगो बाइक खड़ा भी अज्ञात रूप से न जाने केकर हिया, तो थानेदार साहब के बयान रहे कि बाइकवा अपना घर में रखी दी। अब भोजपुरिया समाचार और दर्शक लोग के एहवार पार्षद के बयान सुनावे जा रहल बा, खुदे इनकर बयान सुनब तो रौरा क्लियर हो जाए कि का हालात बटुए। जहां ADG लॉ एंड ऑर्डर जितेंद्र सिंह गंगावार कहतनी कि पुलिस के उपलब्धि बटुए कि 10 मिनट के अंदर पुलिस रौरा भीड़ पहुंच जाए, लेकिन बक्सर जिला के नगर थाना के हालात ही बटुए कि थाना पर फोन कैला पर पुलिस कहतिया कि वह बैकवा के अपना घरवा में रख ली। हम आई तो देख ले, बयान सुनी शेयर कर। हमारे एक समर्थक की गाड़ी बाइक जो है कल एक्सीडेंट हो गई थी, तो वहीं पे हम नगर थाना गए थे और थाना प्रभारी को हम फोन किए, तो फोन रिसीव हुआ तो उन्होंने कहा कि हम 40-45 मिनट लगेगा हम पाने, तो 10-15 मिनट 20 मिनट हम वेट किए, उसके बाद फिर हम वापस चढ़ दिए करीब करीब वही 10:30 बजे के आसपास। और जिसके यहाँ जो लड़का चोटिल था उसके यहाँ 10 मिनट बैठ के 10-15 मिनट जो भी बैठे हैं, उसके बाद से हम इस रास्ते से आए घर के पास, तब तक देखे कि 2-3 लोग यहाँ जो संदिग्ध अवस्था में खड़े थे, तो हम नहीं ध्यान दिए, तो दरवाज़ा पा के हॉर्न बजाए जैसे ही गेट खुलवाने के लिए अपना, तब तक हुआ एक लड़का था, हमको लग रहा था कि करीब करीब 25 के आसपास एज होगा, वो आया ऐसे पिस्टल लेके मेरे ऊपर ऐसे दबाया, तो से किया तो हम समझ गए कि साला ये सब अपराधी है लोग, तब तक हम मेरे साथ उसका हाथापाई होने लगा, तो हम चिल्लाए घर में आवाज़ दिए, गेट पीट दिए इतने देर में, तब तक निकलते लोग और हाथापाई के दौरान उनको चोटे भी आई, चोटा है और तब तक लोग भाग गए, लोग बाइक छूट गया। व्यवसायी को इस तरह सरेआम हमला करना, मैंने इसको किस रूप में, देखिए व्यवसायी तो हम हैं ही और साथ में पहले भी पार्षद रह चुके हैं, अभी भी हम वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि हैं,
अब किस नियत से क्यों हमला किया गया मुझे नहीं, किसी से पुराना विवाद हुआ? कोई विवाद नहीं, मेरा तो किसी से विवाद ही नहीं।